हम सबको भाईजान सलमान खान की फिल्मों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो एक्शन सीन्स हो, कॉमेडी हो, या फिर फिल्म का बिजनेस, वो मेन है। बिजनेस की बात करें तो अगर तो ट्यूबलाइट ने जो कि रिलीज हुई थी 2017 में, तो उसने औसत बिजनेस किया, वो ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाई, औसत था वो बिजनेस भाईजान की फिल्मों के कंपेयर में। ओके, अब ऐसे में रिलीज होने वाली है टाइगर जिंदा है, जो कि दहाड़ने को तैयार है 22 तारीख को, और हर जगह सिर्फ टाइगर 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 सुनाई दे रहा है दोस्तों। अब ट्रेड पंडितों ने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है और फिल्म को वीकेंड में, फर्स्ट वीकेंड में ही 100 करोड़ पार कर जाएगी। अब ऐसे में मेरे खुराफाती दिमाग में क्वेश्चन आता है, बाहुबली जो कि फर्स्ट अपने हफ्ते में, मतलब कि विद इन 3 डेज उसने 128 करोड़ की कमाई कर ली थी, मतलब संडे तक उसका 128 करोड़ हो गया था रकम, तो क्या भाईजान की जो फिल्म आ रही है टाइगर जिंदा है, ये इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं? थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप इसका आंसर दें मुझे। तो क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि क्या भाईजान की ये जो फिल्म है टाइगर जिंदा है, ये बाहुबली 2, बाहुबली द कंक्लूजन के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगी या नहीं? जो भी आपका प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, क्योंकि ये जो न्यूज लाया है, ये जो खुराफाती क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका फिल्मी यारा पूछ रहा है, राहुल भोज, और राहुल भोज की तो सब बात आप मानते ही हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में माने मेरी बात और कमेंट करें, और फिल्मी अपडेट्स के लिए तो फिल्मी यारा ही देखते होगे ना, अच्छी बात है, देखते रहो, और वो भी राहुल भोज के साथ।